एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है यूट्यूब वैसे टिकटॉक को लेकर। कैरी मिनाल्टी ने यूट्यूब पर एक वीडियो पोस्ट किया था जो यूट्यूब से डिलीट हो गया था 70 मिलियन व्यूज आने के बाद। उसके बाद यहां पर मिस्टर फेसू ने कैरी मिनाल्टी को एक फाइनल रिप्लाई दे दिया है। और क्या रिप्लाई दिया इस वीडियो में वो भी बताने वाला हूँ। और कैरी मिनाल्टी ने उस वीडियो में बोला था कि मिस्टर फेसू ने मुझे कॉल किया, उसके बारे में भी कैरी मिनाल्टी को मिस्टर फेसू ने एक फाइनल रिप्लाई दे दिया जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बने रहे इस वीडियो में एंड तक, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप कमेंट करके बताएं कि इंडिया में टिकटॉक को बैन करना चाहिए या नहीं, और आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, टिकटॉक को या यूट्यूब को। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मिस्टर फेसू लिखते हैं, हाय फैंस, आप सभी देख ही रहे हो कि मुझे इतने सारे हेट्स कमेंट मिल रहे हैं, हमें कभी भी किसी को बुरा नहीं कहा। ये मिस्टर फेसू बोल रहे हैं, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे इन्होंने और भी कुछ बोला है नीचे वाली लाइन में, मैं दिखा दूँ, लेकिन इस बात का जरूर जवाब देना चाहा, हमें इतने ज़्यादा फैंस हैं हमारे, तो मैंने जवाब देना चाहा, मैंने ना किसी को कॉल किया, ना धमकी दिया और ना किसी को बोला के ये काम करवाया। यहाँ पे मिस्टर फेसू बोल रहे हैं कि मैंने कैरी मिनाल्टी को कॉल नहीं करवाया। बोलने का इनका यही मतलब है यहाँ पे, क्योंकि आप लोगों को पता है ये कैरी मिनाल्टी बोल रहे थे अपनी वीडियो में कि मुझे कॉल किया और किस एजेंसी के बंदे ने इसको नंबर दिया। तो आगे बढ़ते हैं, तो मिस्टर फेसू आगे बोलते हैं, फैंस आप सभी को पता ही होगा जुलाई 2019 में हमारा एक कॉन्टेंट डाला था जिससे इनका अकाउंट है जो बैन कर दिया गया था, और वो अकाउंट था इनका 8 मंथ के लिए बैन कर दिया गया था। और इन्होंने इंस्टाग्राम पे धीरे धीरे काम किया और इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स इंक्रीज किए और हाई ट्रैफिक वहाँ पर लिया इन्होंने, और इनका 8 मंथ के बाद अकाउंट रिकवर हुआ था। तो इन्होंने यहाँ पे ये भी बताया है, और इन्होंने मतलब कि अपना पूरा मैंने अपने हिसाब से बता दिया यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, और आप पढ़ भी सकते हो। तो आगे क्या बोलते हैं ये मैं दिखा देता हूँ आपको, और आगे लिखते हैं, ये इस मुसीबत में लोग मर रहे हैं, परसों मेरे भाई की अम्मी गुजर गई थी कोविड के कारण, मतलब कोरोना के कारण इनके भाई की मम्मी गुजर गई है। और इन्होंने यहाँ पे बोला है कि जो इस घड़ी में एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे जैसे कि आप लोगों को पता है ये बीमारी कितनी खतरनाक है, इसके बारे में इन्होंने थोड़ा यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। मैं उनको सलाम करता हूँ जो ऐसी सिचुएशन में भी लोगों का साथ दे रहे हैं कोविड के चलते हुए, कोरोना के चलते हुए पूरे देश में, मतलब कि अपने एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं। मेन प्रॉब्लम ये है, ये इसने यहाँ पे यही बोला कि उनको यहाँ पे ये थैंक यू बोल रहे हैं, पूरा धन्यवाद दे रहे हैं, जैसे कि आप लोगों को पता ही है एक दूसरे को खाने को सामान दे रहे हैं, यहाँ पे पूरे देश में महामारी फैल रही है इसके बारे में यहाँ पे लिखा है, और इनके भाई की अम्मी है जो गुजर चुकी है, तो इसके बारे में बताया। आगे क्या बोलते हैं ये मैं आपको दिखा देता हूँ, फैंस बोलने दो इन लोगों को जो बोल रहे हैं, हमें इनसे कुछ नहीं लेना देना और ना ही रिसर्च करना है। इन्होंने यहाँ पे बोल दिया है हमें अपने काम से काम रखना है, हमें किसी से कुछ नहीं लेना, यहाँ पे ये कहने का मतलब यही है। और इन्होंने पहली पोस्ट में यही बोला था, और ये पोस्ट इंस्टाग्राम पे डाली थी जिसके अंदर इन्होंने बोला था कि हमने किसी को कॉल नहीं किया और ना ही किसी से कॉल करवाया है, और ना ही किसी से धमकी दी है, ना ही किसी को बोला कि इनको धमकी दो। तो यहाँ पे इन्होंने फाइनली रिप्लाई दे दिया कैरी मिनाल्टी का। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप किसको सपोर्ट कर रहे हो, कैरी मिनाल्टी को कर रहे हो या मिस्टर फेसू को, नीचे में टैग करके जरूर डालें। अगर आप कैरी मिनाल्टी को कर रहे हो नीचे में डाल दीजिए #, अगर मिस्टर फेसू को कर रहे हो तो #MrFeesoo डाल दीजिए। और वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।